गाइस, मैं शिरो आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चैनल में। 89 वर्षीय अम्मा ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मचारियों को दे रही है मुफ्त में फूड पैकेट। नाम पूछने पर बोली गुमनाम ही रहने दो। चलिए हम आप लोगों को बताते हैं ये लेटेस्ट अपडेट कहां से आ रही है, इसके ऊपर नजर डालते हैं। मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये जो पूरा मामला है हमारे सामने केरला से आ रहा है, जहां पर 89 वर्षीय एक महिला बुजुर्ग जो है वो काफी ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। और इनके बारे में जानकारी जो है वहां के एक फेमस न्यूज चैनल ने दी है, जहां पर उन्होंने बोला है कि एक 89 वर्ष की एक बुजुर्ग महिला जो है ड्यूटी पे तैनात पुलिस कर्मचारियों को कोविड फ्री खाना जो है वो बांट रही है। और उस दौरान ही जब उनसे उनका नाम पूछा गया, तब उन्होंने बोला है कि मेरा नाम गुमनाम ही रहने दो। इसी दौरान ही जब इसके बारे में जानकारी ली गई, तब उस दौरान ही जब न्यूज़पेपर में छपा, तब लोग जो है इस महिला के बारे में और भी ज्यादा जानना चाहते थे और न्यूज़पेपर से और सब लोगों से ये डिमांड कर रहे थे कि आखिरकार इस महिला के बारे में और भी जानना चाहिए और भी पता होना चाहिए कि आखिरकार वो ये काम क्यों कर रही है। इसी दौरान ही जब न्यूज़पेपर जो है लोगों की डिमांड लेके जो है जब उस महिला के पास पहुंचे, तब उस दौरान ही उस महिला ने अपनी पूरी बात बताई। उसने बोला कि उनको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है ये सब चीजें करना, और उस दौरान ही मैं ड्यूटी पे तैनात जो कि हमें सुरक्षित कर रही हैं, उनको अगर मैं फूड दे पाऊं तो ये मेरे लिए काफी बड़ी खुशनसीबी है और इसीलिए मैं ये काम करती हूं। और जब न्यूज़पेपर ने जब उनका नाम पूछा, तब उस दौरान ही उस महिला ने जो है अपना नाम बताने से इनकार कर दिया। उसने ये चीज बोली कि मेरा नाम जो है वो गुमनाम ही रहने दो। और इस दौरान ही उनकी इज्जत करते हुए न्यूज़पेपर ने भी जो है उनका नाम जो है वो बाहर नहीं निकाला है। इसी दौरान ही इस महिला के पड़ोसियों से बात की गई, तो पड़ोसियों ने भी जो है इस महिला की जमके तारीफ की। उन्होंने ये चीज बताया कि ये महिला काफी ज्यादा दिलदार है और हम लोग इनको अम्मा के नाम से जानते हैं। हम लोग इनको अम्मा बोलते हैं, दादी बोलते हैं, और इनका एक बेटा है, एक बेटी है जो कि कॉलेज में ड्यूटी करती हैं। और उस दौरान ही ये जब भी इनका मन करता है, जब भी जो चीजें होती है, ये काफी अच्छी अच्छी चीजें करती है। इसी बीच में जो है एक पुलिस कर्मचारी की फोटो भी वायरल हुई और उसी दौरान ही उस पुलिस कर्मचारी से भी पूछा गया, तो उस पुलिस कर्मचारी ने ये चीज बताया कि गाड़ी में एक महिला बुजुर्ग आ रही थी, तब उस दौरान ही हमने जो है उस गाड़ी को रोका नहीं, जाने दिया। और महिला जो थी वो एक्चुअली में अपनी गाड़ी को यूटर्न करके फिर दोबारा से आई और हमें फूड पैकेट जो है वो देने लग गई। हमने पहले तो लिया नहीं, पर वहां पर उन्होंने ये चीज बोली कि बेटा ये कोविड फ्री है, तुम ले लो, ये खाना बहुत ही अच्छा है। उनकी काफी ज्यादा फोर्स करने के बाद हमने ये खाना ले लिया। अभी ये महिला बुजुर्ग जो है अपना नाम गुमनाम रखना चाहती है, पर उसी के साथ साथ है ये काफी अच्छे काम कर रही है, जिसके बाद इनकी काफी ज्यादा सराहना और काफी ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।